कि जो ब्लैक का जो होगा वो मैं जा रहा हूँ इंडिया से कहीं बाहर ट्रांजैक्शन हो जाए, हम वहाँ से उठवा लें पैसा। हाँ हाँ हो जाएगा ट्रांसफर, कोई परेशानी मतलब कहाँ आप... सर हमारे यहाँ मतलब हम ट्रांसफर से उठाते हैं, आप कहोगे कहीं भी ठीक है ना, वो हम वहीं से आप मुझे बताओगे मुझे यहाँ से पैसा देना है, हमारा बंदा वहाँ मिलेगा आपको, आपको एक पर्ची देगा कच्चे की ये है और वो पैसा उठा लेगा, हम यहाँ से आपको कन्फर्म कर देंगे, हमारा कन्फर्मेशन है। ओके तो मतलब दुबई वगैरह में हो जाएगा कहीं भी, मतलब ब्लैक वाली बात कर रहा हूँ, व्हाइट की बात नहीं कर रहा हूँ सर, वो सारा हवाले के थ्रू होगा, सब हो जाएगा। अच्छा हवाले के थ्रू हो जाएगा वो सब कुछ, हम रेगुलर की ट्रांजेक्शन करते हैं। अच्छा तब तो आप लोग एक्सपीरियंस हैं, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और इसमें सर कच्चे का क्या हो पाएगा? कच्चा ले लेंगे, कितना तक सर मैं मैक्सिमम जाऊँगा? 4,000 रुपये से ले लेंगे व्हाइट में, उसके ऊपर ले लेंगे वैसे ब्लैक में। ₹2,40,000 वहां पर ये मान के चलो हमारे यहाँ का जो सेक्टर रेट है ना वो लगभग 35 से 37 लाख रुपए सेक्टर रेट है। हाँ तो लोगों में बात हो चुकी है, तो आपको मिलना था इसलिए मिला है, वरना तो वही सब सेट है, कोई दुबई से ले लेंगे हम यहाँ से उठवा लेंगे, कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं वो नहीं बोलेंगे। 50 लोग आते हैं हर बॉसेस के पास, कोई PTO फैम और याद एक क्लास हमारी और तुम्हारी अलग बात है, जो बॉस या किसी स्कैंडल में फंस जाए, मैं फंस जाऊँगा मेरा कुछ नहीं होना। अच्छा अच्छा वो फंस जाएंगे तो हम बहुत खुश हो जाता है, कोई बॉस नहीं कमिटमेंट कर वो क्वालिटी बोल रहे नहीं हमारे से ऐसी जितना बदल कर लेंगे 60% हो जाएगा कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं रजिस्ट्री होगा सर, कर लेंगे प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, बिल्डर पाइप लाइन के पहले जितना मर्जी एडजस्ट कर सकते हैं यार। क्या सर देखिए हम कार तभी ओपन करेंगे जब आपकी सीरियसनेस पता चल जाएगी, वी कैन नॉट टेल ईच, देखिए आप ये समझ के चलिए कि जब तक हमें आपको पता नहीं चलेगा हम लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे। इफ यू थिंक यू आर द जेन्युइन कस्टमर हम तो ओपन है आपके लिए, मैंने आपको इतनी बड़ी बात बोल दी है पर मुझे जेन्युइनिटी दिखाने के लिए आप कुछ तो कुछ चीज दिखाएंगे ना मुझे, जब मैं आपको ओपन करूँ कि आप जो बात बोलो उससे अच्छा दूंगा मैं, दैट शुड बी क्लियर। आपका मैं इंटरेस्ट वॉच करूँ, आपके सिस्टम में इंटरेस्ट वॉच करूँ, मेरा कोई सेकंड क्वेश्चन है, आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं 100 मैं आपको 150 देने को तैयार हूँ, मेरे को क्लैरिटी होनी चाहिए जिस आदमी से मैं बात करूँ, दिस मैन वर्क फॉर दिस। अच्छा है ना, चलो भाई मैं आसाम में गया था किसी के साथ, 600 फ्लैट दिए थे मैंने, आज तक किसी को नहीं पता, 7 फ्लैट परसों दिए हैं, ये तो ये डील देने किसको कहा बताता है, क्यों बता रहे हैं किसी को, जो हम मिले बस ठीक है, हमारा भी एक लिंक बन गया 36 काम फिर आ गया और निकलते हैं, एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा तो मैं मतलब 0.1% भी आइडिया नहीं मिल पाएगा, लेकिन जैसा आप कहेंगे वैसा हो जाएगा, जैसे भी कंफर्ट लेवल चाहेंगे वो मैं कर दूंगा, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है बैंक नंबर दे दूंगा, अकाउंट नंबर दे दूंगा, विद आपका विद हाँ उसमें आप जमा करा दीजिएगा, हम आपको कंफर्म कर देंगे, किसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, वो हम लोग इंटरनल बैंक मैनेज होता है उसे, मैं जो आपको अकाउंट दूंगा उसमें लिक्विडिटी जमा कराइएगा। अच्छा तो अकाउंट बिल्कुल जमा हो जाएगा, अकाउंट में आएगा वाइट होगा वो नहीं होगा वाइट, जैसे वो अकाउंट में जाएगा हम वो कंफर्म कर देंगे मिल गया, उसके बाद अकाउंट ही बंद हो जाएगा। अच्छा ऐसा ही होता है। 72 में आपको डिस्काउंट आ रहा है, ले लीजिए 69,12,000 ओके माइनस 50 लाख लेंगे, 50 लाख वाइट आपको 19 लाख कैश मतलब ब्लैक में आप ले लेंगे कैश खींच के 40 कर लेंगे 40 बट दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमें, ये मैक्स श्योर नहीं, आपको दिक्कत होगी तो हमें उससे ज्यादा दिक्कत है, आपसे ज्यादा तो आप ही देखो कस्टमर ज्यादा तो हमें दिक्कत है, हमने भी जिस रेट पे बेचा हुआ है पहले माल उससे भी बहुत कम पे हो जाएगा,
फिर प्रॉब्लम में आप भी आएंगे, हम भी नहीं चाहते कि आप प्रॉब्लम में। नहीं नहीं, जैसे वो 700 समथिंग मिला के 4300 है, तो उसको ऑल इंक्लूसिव 3600 कर सकते हैं, तो उतना ही एडजस्टमेंट हो पाता है रेजिडेंशियल में, तो रेट बहुत डाउन आ जाएगा ना फिर वो जस्टिफाई। तो प्लॉटेड कॉलोनी में आपको प्लॉट्स दे सकते हैं, उसमें कैश एडजस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगा। मैं अभी आपसे जो पैसे ले रहा हूँ अलॉटमेंट के टाइम पे सारे डॉक्यूमेंट एक साथ कराऊंगा, आप समझ रहे हो, क्योंकि वरना फिर अलॉटमेंट के टाइम वाला रेट होगा। ओके। उस समय लॉन्च हो चुकी होगी प्रॉपर्टी, मैं पब्लिक में खुल के ऐड दे सकता हूँ, सारे काम कर सकता हूँ, द गवर्नमेंट डजंट स्टॉप मी देन। अभी जो बात हो रही है उसके लिए मैं कोई आई डोंट वॉन्ट टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, क्योंकि मेरे स्टेक्स बहुत हाई है, मैं प्रोजेक्ट में आई एम गॉट वेरी हाई स्टेक्स इन द प्रोजेक्ट, मैं चाहता नहीं कि कोई अननेसेसरी। नहीं तो क्या प्रॉब्लम क्या आ सकती है? प्रॉब्लम कुछ नहीं आती, कंप्लेंट हो जाती है जी ये देखिए इन्होंने बुकिंग कर ली थी, ये कर ली वो कर ली, तो बुकिंग तो कर ही सकते हैं ना, रूल होता है गवर्नमेंट ऐसा है, बुकिंग कर सकते हैं, सारी चीज कर सकते हैं, अर्बन डेवलपमेंट एक्ट में बुकिंग के लिए बोल रखा है, बट हम लोग एडवर्टाइज और अलॉटमेंट ये सारी चीजें इनिशिएट नहीं कर सकते। अच्छा, ज्यादातर ब्लैक व्हाइट आता है वो सब 50-50 रहता है हमारे। कहीं कोई बहुत रेयर केस आता तो 60 भी मार्जिन आ रहा, उसके अलावा 300 रुपए तो एलडीए को देंगे होते हैं लेफ्ट से, 300 रुपए तो लीगल है, उसके अलावा अधिकारी को कैश और नॉट डिपार्टमेंट को सब एनओसी लेने के लिए, फायर डिपार्टमेंट हो गया, आपका वन विभाग हो गया, कई चीज हो गया, मतलब सबको कैश देना पड़ता है, सबको अलग से खिलाओ पिलाओ एनओसी के लिए। यहाँ पर वो दुबई की तरह नहीं है, वो दुबई में सब सिस्टमेटिक है, मतलब दुबई में तो कोई भी ओवरटेक 50% तक ला सकते हैं, 50% कच्चा पुका 50% मतलब ब्लैक का 50%, उसमें कोई दिक्कत हमें कहाँ है, आपने तो पेमेंट करना है, हमने यूनिट अलॉट करने हैं आपको, अलॉट करने हैं 18 में से हम 13 आपसे वाइट का ले लेंगे, बाकी 5 बच गए वो वाइट का ले लेंगे, और जो हमने ट्रांसफर करना होगा अपने अकाउंट के लिए कि हमें इतने पैसे वाइट में और दिखाने हैं, हम उतने पैसे आपको वाइट में आपके क्योंकि इंडिविजुअल नाम से आप फ्लैट की रजिस्ट्री कराएंगे वो हम कहीं ना कहीं से आपको वाइट मैनेज करके हम वापस ट्रांसफर लेंगे। मैक्सिमम जाएगा तो 60 तक जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। कितना? 60 वाइट, 60% तक, 40% ब्लैक, इससे ऊपर नहीं जाएगा। अच्छा, आप प्रोसेस में डाल रखा है, प्रोसेस कर चल रहा है सिंगापुर से। अच्छा, सिंगापुर से किससे? SSBC SSBC से। रजिस्ट्रेशन चार्जेस आप वरी है तो 1800 रुपये भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बेसिकली आई लिस्टेड ना, आई थिंक लिस्टेड कंपनी, इसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है बिकॉज पब्लिक लिमिटेड में अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसके मैं वो 20% कर रहा हूं, 92 बोल रहे हैं रुपया नहीं है, यदि आप रेडी नहीं जो बन गया है अपार्टमेंट उसमें यदि आप ले रहे हैं तो Yeah, I cannot show any, I cannot do any transference. Under concession or anything like that. उसके अंदर वो पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके अंदर आपको बी कंपोनेंट के अंदर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, वो रेस्ट ही होगा, क्लियर कर अपना काम होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक बी कंपोनेंट का मैक्सिमम का सवाल है तो अपन जो मैक्स टू मैक्स है उसके अंदर 35% और 40 तक अपन इसमें कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे 40% के आसपास तक अपन कर सकते हैं। तो वही चीजें हैं, तो मैं ये चाह रहा था कि एक बार क्लियर हो जाए कि मैं इनको जाके बता सकूं। क्लियर होने की चीजें नहीं है ना, आप ले कराओ देखो सर, सब कुछ हो जाता है, वर्कआउट कर लेंगे, जो बेस्ट हो पाएगा विल डू इट फॉर यू। चलो ठीक है, आप अपना कार्ड दे देना। हाँ, मेरा 800 रुपये मेरा 3600 रुपये की रेट पड़ी थी,
3400 का तो इनकम टैक्स की। अरे 3400 प्लेट पर ये नहीं लेता था, ये लेता था। अच्छा तो लेट पर नहीं तो वो मुझे क्या आप 3500 बता रहा हूँ, 3500 अगर आपका 900 रुपये का फ्री आपका रजिस्टर है 900 रुपये और बता दो। एग्जैक्टली बट सेफ जोन मैम, रजिस्ट्रेशन में दिक्कत ना हो। हाँ तो 60-40 मतलब 50-50 नहीं हो सकता, देख लेंगे। तो अपन कोशिश ये करेंगे कि जो वहाँ पे फ्लैट की रजिस्ट्री का प्राइस है तो उतने तक पे आपको हम नंबर एक कर देंगे, बाकी आप कैश में कर दीजिएगा। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 25,000 रुपये मीटर आपसे बुक में ले लेंगे, बाकी अंडरटेक में ले लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो हमारे यहाँ पे एक बार जुड़ोगे वहाँ पर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप यहाँ से नहीं जाओगे तो फिर आप अमाउंट पार ले लो कहीं। हम सबसे ज़्यादा डी एडजस्ट कर देते हैं उठा के आपको निकल। अच्छा कितना मतलब मैक्सिमम? मैंने बताया ना मैक्सिमम 60-40 का रेशो रखते हैं, तो 60% ब्लैक ऑर्डर लेते हैं। सर से बात हो गई ना शाम को, तो 60 ब्लैक उठा लेंगे, बात तो करनी है जैसे बैठ कर थोड़ा सा उन्हें समझाने में बताना। तो मैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, पहले आप लोगों ने किया हुआ है ना सर, हमारा करा चिंता आप हमारे साथ पहली बार बोल रहे हैं, इस बात की चिंता नहीं कर आप। एक बार मैंने कहा ना रही करे हमारे साथ बोल गए ना ग्रुप के साथ, बट आई वांटेड टू बी इन अ सेफ जोन। आई वांटेड टू बी इन अ सेफ जोन। ओके 60-40 इट विल बी ओके फॉर यू। 60% बाय 1 एंड सेकंड 40% नहीं 60% बाई चेक राइट और डी डी 40% आर टॉकिंग अबाउट टू कैश कैश मीन्स इन अ ब्लैक राइट या इट ओके इज इट इट्स कम टू 50-50 60-40 देयर विल बी एनी प्रॉब्लम इन रजिस्ट्रेशन? नो, क्योंकि मेरा जो अपना मैं आप खुल के बता रहा हूँ मेरा क्या, मेरा है कि अप्रोक्स 40% तक कैश हम मतलब ब्लैक में हम दे दें, ब्लैक मनी दे दें, बाद बचे में 60% वो हम चेक से कर देंगे। आप कैसा कर सकते हैं? या फिर कंपनी ने आपके पास ब्लैक मनी कैसा रखा मेरे पास?